गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा जैसे जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेट रिस्पॉन्सिव एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पॉइंट हम लोगों ने देखे। आज हम लोगों के इस वीडियो में जो बच्चों हम लोगों को देखना है वो अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे एंड सोशल डाइवर्सिटी एंड देन हम बातें करेंगे बच्चों डिग्निटी मेंटेन के बारे में एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बातें करेंगे, द टर्म्स ऑफ डिग्निटी। तो बच्चों अगर हम बातें करें अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों ने लाइट में पढ़ा था या ह्यूमन आई में अगर पढ़ा होगा तो अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ाई जाती है कि व्हाट इज अकोमोडेशन पावर। तो इसमें बताया जाता है बच्चों कि हमारी आई नजदीक की चीज को भी देख सकती है एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है। अकॉर्डिंग टू द अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, आवर आई इज कैपेबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट बाई चेंजिंग इट्स फोकस लेंथ विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स के हेल्प से हमारी आंख अपनी फोकस लेंथ को, अपने जो आई लेंस होता है बच्चों जो कि मसल्स का बना होता है, उसको मोटा पतला करके अपनी फोकस लेंथ को चेंज करके नियर की चीज को भी देख लेती है और दूर की चीज को भी देख लेती है। इस पावर को आई की बेटे हम लोग अकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। तो वैसे ही बेटे हम डिफाइन कर सकते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर होती है कि इट इज एडजस्टेबल, इट इज सर्वाइवेबल इन एवरी टाइप्स ऑफ द कंट्री। कंट्री कैन बी लिटरेट, पुअर, रिच कंट्री हो सकता है, पुअर कंट्री में अमेरिका जैसे रिच कंट्री में भी अगर डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है तो इंडिया जैसे मीडियम डेवलप कंट्री में भी सर्वाइव कर रही है, या पुअर कंट्री बांग्लादेश और उससे भी पुअर कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पर भी बेटे श्रीलंका जैसे कंट्री में सर्वाइव कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब है इट इज सर्वाइवेबल, इट इज एडजस्टेबल एवरी टाइप्स ऑफ द कंट्री फाइनेंशियली दैट कैन बी रिच और पुअर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इट इज सर्वाइविंग इन अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में, तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ये एडजस्टेबल है। ठीक है बच्चों, और या अगर ये 99% इलिटरेट कंट्री अमेरिका में सर्वाइवल है तो यहाँ पर भी बच्चों जहाँ पर इंडिया में अभी तक 75% कंसिडर होता है, अभी तो 50-60% ही था, या और भी पुअर कंट्रीज में देखा जाए बांग्लादेश या और भी पुअर कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पर भी बेटे ये सर्वाइव कर रही है। ठीक है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट में देखा जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा जाए या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में देखा जाए, किसी भी एंगल्स में देखा जाए बच्चों, तो अगर ये रिच से रिच कंट्री और बेटर से बेटर कंट्री में सर्वाइवल है तो पुअर से पुअर कंट्री और एक नॉन फाइनेंशियबल या नॉन डेवलप्ड कंट्री में भी एडजस्ट करती है अपने आप को। तो ये पावर डेमोक्रेसी की, इस पावर को बेटे ये एडजस्टमेंट पावर ऑफ डेमोक्रेसी की, ये हर टाइप की सोसाइटी में एडजस्टेबल है, चाहे सिटी के नगर निगम में भी अवेलेबल है, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी ये एडजस्ट वर्क कर रही है, तो गांव के बैकवर्ड एरिया में भी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो डेमोक्रेसी की इस एडजस्टमेंट पावर को इट इज एडजस्टेबल एवरी टाइप्स ऑफ कंट्री दैट पुअर, रिच, डेवलप्ड एंड डेवलप्ड, लिटरेट, इलिटरेट, हर टाइप की कंट्रीज में अपने आप को सर्वाइव करती है। इसी पावर की डेमोक्रेसी को बेटा हम लोग अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेसी। So I think that clear that what is the meaning of the accommodation power of the democracy, that it is adjustable in India में देख लिया जाए अगर ये गुजरात जैसे स्टेट में अवेलेबल मतलब हो तो नागालैंड जैसे बैकवर्ड या त्रिपुरा अगरतला शिलांग मेघालय या नागालैंड जैसे बैकवर्ड स्टेट में भी ये एडजस्टेबल है, अगर ये गुजरात और महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट में, पंजाब जैसे डेवलप्ड स्टेट में एडजस्टेबल है तो बिहार एंड उड़ीसा जैसे पुअर स्टेट में भी एडजस्टेबल है। तो इस पावर को डेमोक्रेसी की इस पावर को अकोमोडेशन पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी या अकोमोडेशन पावर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों डिग्निटी की बात करें तो डिग्निटी
भी केवल क्या कहते हैं डिग्निटी मेंटेन करने वाली गवर्नमेंट थी बेटा, केवल हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ हर बंदे की अपनी डिग्निटी होती है, चाहे प्रेसिडेंट हो। अगर प्रेसिडेंट की डिग्निटी है तो एक लेबर की भी अपनी डिग्निटी है, दोनों की कोर्ट की वैल्यू सेम है और दोनों अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कैरी करते हैं, दोनों के पास अपने राइट्स हैं। मानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कुछ ज़्यादा राइट्स हैं, लेकिन एक रिच आदमी के जो राइट्स हैं, एक पहले सोसाइटी में जो होता था बेटा कि अपर क्लास के पास राइट्स होते थे, लोअर क्लास एक स्लेव होते थे, उनके अपने कोई अधिकार नहीं होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जितना लोअर कास्ट हो चाहे जितना अपर कास्ट हो, रिच हो पुअर हो, सबके अपने इक्वल राइट्स हैं। कुछ स्पेसिफिक संवैधानिक पदों को छोड़ दिया जाए तो सबके पास अपने इक्वल राइट्स हैं, तो उसमें बेटे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो किसी तरह सिचुएशंस की बेटे डिग्निटी सबकी बराबर को मेंटेन करती है, हमारी डेमोक्रेसी इक्वलिटी ही डेमोक्रेसी का बेसिक बेस होता है, इक्वलिटी इज द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इस तरीके से बेटे डेमोक्रेसी हो गई। और इसके बाद बच्चों ओवर एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं और उसके क्रिटिसाइज करने का एक बहुत बड़ा मेन पर्पज ये हुआ करता है बच्चों कि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस वजह से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते थे। वी स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज वो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ते चले जाते हैं। कोई तुम्हें बैठने की जगह दे दे तो तुम लेटने की जगह का एक्सपेक्टेशन हो जाता है, लेटने के लिए ना दे तो फिर तुम उसे क्रिटिसाइज करना ही स्टार्ट कर देते हो। तो वैसे ही बच्चों क्या कहते हैं डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब वो फुलफिल नहीं होती तो हम लोग स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज टू द डेमोक्रेसी। अदरवाइज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कैसे बेस्ट फॉर्म है वी हैव सीन इन अवर चैप्टर दैट दीज आर द रीजंस व्हिच आर मेकिंग फॉर कंट्री डेमोक्रेटिक। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत कल और डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर भी हम लोगों का फिनिश। ओके, थैंक यू।